सेवा भारती वनवासी कन्या छात्रावास में लगाए गए सैकड़ों पौधे पशुपालन व डेयरी विभाग के संयुक्त संचालक ने दी दान राशि। गुना में सेवा भारती द्वारा संचालित वनवासी कन्या छात्रावास प्रांगण में रविवार को पर्यावरण संवाद ने सहेजने के उद्देश्य से पौधारोपण किया गया। इस मौके पर पशुपालन व डेयरी विभाग की ग्वालियर चंबल संयुक्त संचालक डॉक्टर राम कुमार त्यागी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। संयुक्त संचालक और सेवा भारती की पदाधिकारियों की संयुक्त अगुवाई में छात्रावास परिसर में 100 से अधिक फलदार फूलदार पौधे लगाए गए। विभिन्न छात्राओं और छात्रावास स्टाफ को इन पौधों की सुरक्षा का जिम्मा भी सौंपा गया। पदाधिकारियों ने छात्राओं को पौधे लगाने के लिए लाभ और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉक्टर राम कुमार त्यागी ने सेवा भारती के सेवा भाव से प्रेरित होकर 21,000 रुपए की राशि अध्ययनरत छात्राओं की शिक्षा के लिए दान देने की घोषणा की। वहीं दीपक जाधव द्वारा 3100 रुपए कन्या भोज के लिए दान किए गए। सभी अतिथियों ने छात्रावास परिसर का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया और छात्राओं से चर्चा की। कार्यक्रम मुख्य रूप से सेवा भारती कन्या छात्रावास के अध्यक्ष डॉक्टर भूपेन्द्र सिंह धाकरे, नगर संघ संचालक आशीष, डॉक्टर सौकाती, डॉक्टर मैमिन, डॉक्टर उमेश, डॉक्टर मनोहर शर्मा, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर लक्ष्मण, डॉक्टर जगवी, डॉक्टर प्रियंका, पुष्पा, परमाल मिट, अमरोश विनोद, पशुपालन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी व मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। मंत्र संचालन डॉक्टर हरवीर सिंह धाकरे ने किया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों का आभार सेवा भारती कोषाध्यक्ष विवेक सिंघल ने माना। मैं डॉक्टर आर के त्यागी, उप संचालक पशुपालन एवं प्रभारी संयुक्त संचालक ग्वालियर चंबल संभाग जी। आज का क्या कार्यक्रम है जो आप आज आए हैं? आज का कार्यक्रम है ये हमारे पशुपालन विभाग से सभी हमारे पशु चिकित्सक एवं स्टाफ के द्वारा यहाँ पर बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया, एक पेड़ माँ के नाम, और इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए हैं। कितने वृक्ष लगाए आपने? यहाँ लगभग 100 वृक्ष लगाए हैं आज हमने, और इनकी हमेशा इनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी कि ये सही बढ़ रहे हैं कि नहीं। इनको बायोदूत ऐप पर हम अपलोड करेंगे और आगे भी ध्यान रखें कि इस प्रकार के ये पौधे हमारे बढ़ें, मतलब ये उनका देख रेख भी रखें। ये सेवा भारती में हमारे डॉक्टर भूपेन धाकरे जी हैं, इन्होंने हमको बोला कि एक ऐसा कार्यक्रम हो, तो मैंने फिर सभी लोगों को इकट्ठा करके कार्यक्रम करवाया। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि और लोग भी ये वृक्षारोपण कार्यक्रम करें ताकि अपने पर्यावरण सही हो और उन पेड़ पौधे लगाने के बाद उनको भूलें नहीं कि वो सही बढ़ रहे हैं, कि उनको पानी मिल रहा है कि नहीं, गर्मियों में खास तौर पर। ये हमारा ये पूरा प्रोग्राम है। आपके स्टाफ के लोग और सभी लोग कौन कौन आए हैं वृक्षारोपण में? हाँ, यहाँ पे हमारे डॉक्टर सोनी हैं, डॉक्टर उमेश रघुवंशी हैं, डॉक्टर प्रियंका जाटव है, डॉक्टर सुभांक्षी यादव है, डॉक्टर हमारे मनोज बागरी हैं, हमारे अनुशासित योगा ग्रुप के लखन रघुवंशी जी एडमिन हैं, और गोपाल सोनी जी हैं, रजनीश बैद जी हैं, और हमारे सभी स्टाफ है पूरा। हाँ, समस्त स्टाफ पूरे जिले से ही आए हैं हमारे पास। मधुसूदनगढ़ से भी डॉक्टर नरबड़िया आए हैं जी, पशु चिकित्सालय से समस्त एवं हमारा ऑफिस का पूरा स्टाफ। क्या आपके उद्देश्य है माँ के नाम वृक्ष आपके लिए? हाँ, प्रधानमंत्री जी का ये संदेश है कि एक वृक्ष माँ के नाम, जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है उनकी याद में ये पौधे लगाएं, और जिनकी माँ हैं वो अपनी माँ के साथ पेड़ लगाएं और सेल्फी खींचें, और ना कि पेड़ लगाएं, उसको बायोद्यूत ऐप पर अपलोड करें, और जब उसका सेकंड टर्म अपने आप वो मैसेज आता है कि 1 महीने बाद, तो वो फिर उसको देखेंगे जाकर के वो है कि नहीं वृक्ष सही, उसके ऊपर सेकंड उस पर उसके पानी वाने की व्यवस्था खाद की करेंगे। इसी प्रकार पर तीसरा उसमें वो आता है ऑप्शन, 3रे महीने वो पेड़ देखेंगे जाके। इस प्रकार से उस पेड़ का पूरा ख्याल रखना है, और इसमें हमारा जहाँ तक सोचना है कि पेड़ हमेशा फलदार लगाए जाएँ, उनसे छाया भी मिलेगी और फल भी मिलेंगे। अभी तक जो सोच थी लोगों की नीम पीपल वगैरह, ठीक है उनसे ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन जो फलदार वृक्ष लगाएंगे उनसे ज़्यादा लोग, कम से कम हमारी अगली पीढ़ी वो फल खा सकेगी। जैसे आम है, कटहल है, नींबू है, हमारे संतरा हैं, इस प्रकार से जो भी हमारा जो पेड़ लग सकता है हम वो पेड़ लगा रहे हैं। हमारे कलेक्टर साहब का भी ये कहना है कि पेड़ हमेशा फलदार लगाओ। इस बार हमने फलदार पेड़े अपने स्वयं के उस सभी को हमने टारगेट दिया था कि एक डॉक्टर 5 पेड़ लाएगा स्वयं का क्रय करके, तो वो अपने पैसे से लेके आए हैं और वो हम यहाँ लगा रहे हैं। और इसके लिए हमारे इस सेवा भारती के अध्यक्ष डॉक्टर भूपेन धाकरे जी ने हमको प्रेरित किया, इसके लिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ हमारा ये इंटरव्यू लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।